सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। करनाल प्रशासन और किसानों के बीच लंबे दौर की बातचीत के बाद आखिरकार गतिरोध खत्म हो गया। आज सुबह किसानों और प्रशासन के बीच चौथे दौर की बातचीत हुई, जिसके बाद किसानों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और एसीएस देवेंद्र सिंह ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रशासन ने किसानों की कई मांगों को मान लिया है। एसडीएम मामले की जांच रिटायर्ड जज करेंगे और जांच पूरी होने तक तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा छुट्टी पर रहेंगे। वहीं मृतक किसानों के दो परिजनों को डीसी रेंज पर नौकरी दी जाएगी। एसीएस देवेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 28 अगस्त को हुई लाठीचार्ज की न्यायिक जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में होगी और एक महीने के भीतर ये जांच पूरी होगी। वहीं किसानों की मांगे मानने के बाद लघु सचिवालय के धरने पर बैठे किसानों ने प्रदर्शन खत्म करने का भी ऐलान किया। इस सारे प्रकरण में हरियाणा सरकार 28 अगस्त 2021 को बस्ताड़ा टोल पर हुए घटनाक्रम की न्यायिक जांच करेगी करवाएगी और ये जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जाएगी एवं जांच यथासंभव एक माह में पूर्ण होगी और पूर्व एसडीएम श्री आयुष सिन्हा जी इस दौरान छुट्टी पर रहेंगे और हरियाणा सरकार मृतक किसान सतीश काजल के दो परिवारजनों को सरकार डीसी रेट पर सैंक्शन पोस्ट पर नौकरी देगी यहीं पे करनाल डिस्ट्रिक्ट। इसमें एक तो जो हमने एक नौकरी मांगी थी लेकिन कल उसको जो है क्योंकि उसका कंपनसेशन और जो शहीद परिवार है उसकी हम किसी हाथ भरपाई नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसका तय किया था कि उसकी भरपाई ज़्यादा चाहिए क्योंकि असली नुकसान तो उसी का हुआ है। तो इसलिए और कल हमने उसके दो मेम्बरों को नौकरी मांगी थी जो प्रशासन ने मान ली है, सरकार ने मान ली है। जो एसडीएम है आयुष सिन्हा जी, उनका जो हम एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे या जो बाकी पुलिस अधिकारी हैं उनपे एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे तो हमने अपने वकीलों का राय ली। अगर हाईकोर्ट का रिटायर जज उसमें जो है वो इंक्वायरी करता है उसके बाद उसका पर्चा दर्ज होता है तो उसके ना तो उसके तस्करे चांस होते हैं और ना उसके फिर जांच को कोई प्रभावित करने के चांस होते हैं। तो इसलिए हमने प्रश्न की बढ़ाई थी कि हाईकोर्ट के जज से ज्यादा बेहतर रहे।